Hi guys! What's up? अस्सलाम वालेकुम, आज एक और ब्लॉग के साथ में और फरहान आपके सामने हाजिर है। और आज मुन्नी तो दिखी नहीं रही है क्योंकि मुन्नी उठ के बैठ जाए तो थोड़ा सा इसी जगह अच्छा उतार दे। अच्छा, हम जूते ही लेने जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर ऑन द वे टू बाय फराज स्लीपर, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही स्लीपर होती है। बच्चे बड़े होते जाते हैं तो इतनी फजूल खर्ची इतने ढेरों शूज सैंडल्स नहीं मैंने रखे तो ये छोटे होते जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, एक घर की चप्पल है एक बाहर की चप्पल है। तो जो बाहर वाली है फिलहाल की वो टूट गई क्योंकि ये बाहर पानी डालती है पौधों में, खेलती है घास में, तो सब्जियाँ देखती है, चीज़ें देखती है। उसको भी मैं इतना बड़ा शौक है सब्जियाँ लगाने का, सब्जियाँ देखने का। तो आज हम लेने जा रहे हैं फलाल की ज़बरदस्त किस्म की प्यारी सी सैंडल, और जिससे वो भाग दौड़ सके, खेल सके, बड़ी कैजुअल सी हो और बड़ी अच्छी हो। तो लेट्स सी इसको कौन सी पसंद आती है। और उसके अलावा मुझे सैंडियो कलेक्शन चाहिए। आप लोगों ने भी सैंडियो देखा होगा, वो जो हेलो किटी फ्रेंड्स की होती है, तो मैं उनकी और मैं मॉल जाऊंगी फिर, और फिर मैं मॉल से सैंडियो कलेक्शन की स्टिक खरीद लूंगी ढेर सारी। अच्छा, इस ब्लॉग का आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट मकसद था आपसे बात करना कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, मैं जब गाड़ी चला रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ राइट लेफ्ट पे कि उन्होंने क्या किया होता है कि बच्चे गाड़ी में बिठाए होते हैं और उनको बेल्ट नहीं लगाई होती, और या तो मोस्टली ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा होता है, पेरेंट्स नहीं होते उसको, क्योंकि फिलहाल को स्कूल छोड़ने के टाइम पे ये ज़्यादा सीन देखती हूँ। तो ड्राइवर्स जो है वो छोड़ने के लिए आ रहे होते हैं बच्चों को, और बच्चे जो है ये सनरूफ से बाहर निकले हुए होते हैं या फिर शीशे से गाड़ी की निकले होते हैं बाहर, तो अजीब तरीके से आधे आधे बाहर लटके हुए होते हैं, फिर बोलते हैं शीशा खोल के। और मुझे मोस्टली जो है ना हर कोई हफ्ते में 2-3 बार ऐसा सीन होता है, मैं गाड़ी का शीशा खोल के तो ड्राइवर को भी डांटती हूँ, मैं बच्चों को भी थोड़ा सा गुस्से से बोलती हूँ, जैसे माँ अपने बच्चों को बोलती है वैसे मैं उनको बोलती हूँ कि अंदर जाइए, बाहर नहीं निकलना है आपने, बिल्कुल नहीं अलाउ नहीं है, अंदर जाइए। बच्चों को भी डांटती हूँ, फिर ड्राइवर्स को भी बोलती हूँ कि इनके पेरेंट्स को पता है कि आप बच्चों को ऐसे खिड़कियों से बाहर निकाल के गाड़ी चला रहे हैं। कुछ ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जो सिगरेट पी रहे होते हैं, बच्चे साथ बैठे हुए होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ख़ास इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। ठीक है, आपके आपके वो अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, सब कुछ होंगे, आपके साथ फैमिली की तरह भी होंगे, आप उन पर ट्रस्ट करते होंगे, मगर आप उनको अपने कुछ रूल्स बताइए, क्योंकि जो रूल्स आपको आपके माँ बाप ने सिखाए हैं वही रूल्स आप अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। उसी तरह वो जो आपका स्टाफ है उनको वो रूल्स अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोलॉन्ग आपके साथ रहें, आगे भी आपके साथ उनका एक रिश्ता कायम रहे, तो फिर उनको वो जो रूल्स आपने सीखे अपने पेरेंट्स से अपने बच्चों के लिए उनको भी सिखाएं कि वाइल्ड ड्राइविंग आपने बच्चों के सामने ऐसे नहीं करना, स्मोकिंग एंड ऑल दैट, और उनको खिड़कियों से बाहर निकालना, कोई बच्ची ऐसे हाथ निकाल के तो हवाओं में यूँ कर रही होती है एंड ऑल दैट, बड़ा दिल ढहल जाता है। ख़ास तौर पर ऐसी कोई गाड़ी देखती हूँ तो मैं पीछे ही गाड़ी लगा लेती हूँ कि वो बच्ची कोई राइट लेफ्ट से ऐसे तेज़ी से गाड़ी जाते हुए हाथ उसकी कोई उसको हिट ना कर जाए, तो मेरा दिल बहुत ढहल रहा होता है। फलाल का भी हम लोग पीछे पीछे उस गाड़ी के होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस बात को बुरा मत मानिएगा, मैंने बड़े प्यार से बीइंग अ मदर जैसा मैं फलाल के लिए फ़ील करती हूँ मैं बाकी बच्चों के लिए भी फ़ील करती हूँ, और ये हर माँ के अंदर जो है ये फीलिंग्स होती है, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, जितनी भी माएँ हैं उनके अंदर फीलिंग्स हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ पर बहुत फोकस कीजिएगा और इसका ख्याल कीजिएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई हादसे की कोई चोट का या कोई परेशानी का बाइस आप लोग ना बने, और दूसरे लोगों पे ध्यान रखना चाहिए व्हेनेवर यू ड्राइव। हाँ, अच्छा तीसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं बच्चों को तो मैंने देखा है कि कोई गाड़ी जैसे यू टर्न कर रही है, कोई गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, या कोई ऐसे जो भी, तो जो लेडीज हैं उनको थोड़ा सा रास्ता दे दिया करें, उनको अगर कोई जल्दी है या कोई ऐसी परेशानी है, क्योंकि औरतें मैं हमेशा से समझती हूँ हाँ ठीक है बहुत अच्छी ड्राइवर हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं, बहुत सुकून से भी करती हैं, कुछ बहुत रश करती हैं, कभी कोई परेशानियों में होती है, कोई बच्चों की फिक्रों में होती है, कोई घर की फिक्र में होती हैं, बच्चों को पिक करना है, घर जाके खाना चढ़ाना है, टाइम पे खाना देना है, ऑफिस खाने भेजने हैं, साहब को खाना देना है, खुद देखना है, बच्चों की अलग डाइट देखनी है, नहलाना है बच्चों को, घर की सफाई देखनी है, फिर कुछ अगर काम करिए तो जॉब पर भी जाना है वापस, 10 किस्म की जिम्मेदारियों को सर पर अकेली औरतें लेके बैठी होती हैं, भले वो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा। तो लड़की औरत ये सारी जो मासूम सी चिड़िया हैं उनको थोड़ा सा रास्ता दे दिया कीजिए, अगर आपको दिखता है कि कोई औरत
ऐसे ओवरटेक करने की कोशिश करी है, क्या पता किस परेशानी में। आजकल तो बच्चे बाइक चला रहे हैं मेरी एज के। आइएगी मेरे में तो उनको जाने दिया करिए, उनको रास्ता दे दीजिए। आप एक बंदे को अगर रास्ता दे देंगे जाने के लिए तो आप लेट नहीं हो जाएंगे अपने किसी भी काम के लिए, तो आगे आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। तो किसी को रास्ता देंगे अल्लाह ताला आपके रास्ते आसान करेगा। इसी तरह जो आपस में मर्द मर्द हजरात हैं वो भी एक दूसरे को रास्ता नहीं देते, चीखना शुरू कर देते हैं, देख नहीं रहा लाइन लगी है लाइन में आ। किसी एक बंदे को रास्ता अगर कोई यू नो बिना लाइन के आ गया, चलो आई गए, उसको क्या प्रॉब्लम है? या उसको उस वक्त नहीं पता कि लाइन में कैसे आना है। बातें हो सकती है ना, मे बी न्यूज इन आर कंट्री। हाँ मतलब कोई बंदा नया हो सकता है जगह में, मुल्क में, उस लाइन में, उस एरिया में, उस यू नो सिनेरियो में। तो अगर इतनी सी जगह उसको भी दे देंगे बेचारे को, या कोई ड्राइवर है उसको जल्दी पहुँचना, उसको घर से बार बार फोन आ रहे हैं साहब के ऑल दैट, तो भाई दे दें जगह, एक गाड़ी दो गाड़ी अगर आप किसी को जगह दे देंगे कुछ नहीं होगा। इसी तरह हमारे मुल्क में प्यार मोहब्बत से गड्डी चलाओ तो गड्डी भगाओ है, सुकून नाल रहो तो सुकून नाल अगलों को भी रहने दो। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा दूसरा ब्लॉग जो है, बहुत ज़्यादा फरमाइश है मुझसे कि वेट लॉस के ऊपर मैं आप लोगों को कोई टिप दूँ। ऐसे आ रहा है ये ब्लॉग, मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो इसी के ऊपर है, तो आप देखेगा ज़रूर। दूसरी बात, ये जो मेरा गाना है मेहर माँ, इसके टीजर को आपने बहुत लाइक किया। पाकिस्तान की जन्नत है तो बड़ा। अच्छा तो चले फिर, बहुत शुक्रिया करना था आपको कि आपने मेहरमा के टीजर को इतना पसंद किया, तो उसका गाना भी देखिएगा, 4th को रिलीज हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। आपकी बहुत सारी दुआएं चाहिए मुझे, बिकॉज मेरी कोशिश जो थी वो उस गाने में पूरी हुई। एक तो ये कि मैं पाकिस्तान की खूबसूरती, हमारे कल्चर, इन चीज़ों को आप लोगों के सामने दिखा सकूँ, वो जगहें जो लोगों ने मोस्टली विजिट नहीं की, या वहाँ पे लोगों ने अभी तक कोई जाके उनके नज़ारे देखे ही नहीं है, लोग वहाँ पे भी जाएँ विजिट करें और वहाँ से हमारा जो टूरिज़्म है वो आए हमारे मुल्क में आके, तो ऐसी जगहों को देखें, इन्जॉय करें। और दूसरा ये कि मेरे गाने की भी जो एक थीम थी, ब्यूटी थी, वो उसकी वजह से बढ़ गई। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने लाइक किया। तो बस दो दिन रहते हैं, मतलब कल का, आज का दिन है पूरा और कल का दिन है, तो बस एक दिन के बाद जो है वो मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है 4th को। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत। एंड इफ यू गाइस वांट टू वॉच, और अब जब पहले जब वो लॉक स्टार्ट होएगा, आप लोगों ने पहले अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तभी व्लॉग स्टार्ट होगा, वरना नहीं होएगा। और मैं आपको अब गुनगुना के सुनाती हूँ, ठीक है? 1 2 3 गो। अखा विच अजे मेहर माँ, सुफने सजे रहन दे। अखा विच अजे मेहर माँ, सुफने सजे रहन दे। साड़ी पुली ना वफा, कदी हो बिना जुदा। साड़ी पुली ना वफा, कदी हो बिना जुदा। जग केंदा है जो कहन दे। अखा विच अजे मेहर माँ, सुफने सजे रहन दे। फराल, ये वाली ब्लैक में साइज अवेलेबल है, ये थोड़ी सी छोटी है, इधर आओ ये पहन के देखो फराल। अच्छा मैं सब कुछ, जब मैं सब कुछ हो जाएगा ना मैं तभी देखूंगी। ये प्यारी है, हंटिंग, ये अच्छी है। No. ये मेरे लिए, फराल के लिए, फराल के लिए प्यारी मगर इतनी वो वाली नहीं। अच्छा पहले रेड दिखाओ ना मुझे, रेड कैसी लग रही है? आई रियली लाइक द रेड। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। ग्रीन 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 दिखाओ तो सही। अच्छा पहले मुझे दूर जाके पहले ये दिखाओ जल्दी से। फिलहाल मुझे रेड बहुत प्यारी लग रही है, मगर तुम पहले ये ब्लैक पहन के आओ जल्दी से। सब कुछ देखूंगी। ये अच्छी है, दिस इज वेरी नाइस कलर। अच्छा पहले रेड पहन के आओ, सब कुछ नहीं, तुम इधर आओ एक मिनट। अभी क्या है, कलर चेंज हो गया। ओके अब और यही चलता रहेगा। ये शर्ट भी अच्छी है फरार, नॉर्मल तो रहो, मैं देखूं कैसे। ये शोल्डर से थोड़ी सी लूज नहीं है इसको देखें? नहीं ये स्टाइल है ना, इट्स लाइक बाउंस टाइप। ऐसे ही है, अच्छी लग रही है आपको? या मामा, हाउ इज द बर्गर? द फर्स्ट टाइम आपने बीफ ट्राई किया, हाउ इज इट? चिकन एंड बीफ लाइक टेस्ट लाइक द सेम आई थिंक।
बट आई लाइक दिस। मजा आ गया, शुक्र अल्लाह।